दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद के लिए सब्जी बांटने का एक नया अभियान शुरू किया। इसके लिए यूथ कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों से सब्जियां खरीदी और इन्हें दिल्ली में जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से किसानों को सब्जी की वाजिब कीमत नहीं मिल रही थी। कई किसान खेतों में उगाई सब्जी बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ऐसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों और जरूरतमंदों दोनों की मदद का तरीका निकाला। कार्यकर्ताओं ने किसानों से सब्जी खरीद कर इन्हें पॉलिथीन में पैक कर कुछ कुछ दूरी पर रखकर जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए किया गया। यूथ कांग्रेस कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ उन किसानों की मदद की जाए जो लॉकडाउन के चलते जिनकी फसल बर्बाद हो रही है, बल्कि उन जरूरतमंदों की मदद की जाए शहरों में जिनको सब्जियां नहीं मिल रही हैं।